नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे रीजनिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, तो इसमें इनके हम नंबर डाल देते हैं। तो जे की वैल्यू 10 होती है, एन की 14 होती है, क्यू की 17 होती है, और एस हमारा होता है 19 और टी होता है 20। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये एक कम हो गया, इसके बाद दो कम हो रहा है, ये तीन कम हो गया, और यहाँ से ये चार इसमें कम हो गया। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 5 माइनस करके आएगी, और 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, जो कि होता है ई का। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका ई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी ऐसी सीरीज है, तो देखिए इसमें दे रखा है ए बी। अगर फर्स्ट फर्स्ट टर्म देखते हैं तो यहाँ पे ई एफ है और सी डी है, सी डी, उसके बाद पीछे जाते हैं तो ई एफ आ गया। उसी तरह अगर इस पैटर्न को हम देखते हैं तो जी के बाद जो है एच ही आना चाहिए। ठीक है, और एच सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमारे पास, इसीलिए डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरी टर्म्स को भी देखते हैं तो यहाँ पे भी एम एन आई जे ओ पी, इसी तरह से के बाद एल आना चाहिए, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन एच एल वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी नंबर सीरीज है, तो इसमें देखिए यहाँ पे दो का इंक्रीज हो रहा है, फिर चार का इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे हो जा रहा है छः का और आठ का। तो इसी तरह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, 10 का इंक्रीज होगा तो ये 30 हो जाएगा। उसी तरह अगले नेक्स्ट टर्म में 12 का इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 + 12 = 42 हो जाएगा। तो 30 और 42 ये हमारे सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी सिंगल डिजिट ऑड नंबर आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच इज इमीजिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के जस्ट बाद ऑड नंबर आ रहा हो, ऐसे कितने पेयर बनेंगे ये हमें देखना है। तो ये है एक 5-1 का एक पेयर बन गया हमारा, ऑड के बाद ऑड आ रहा है। 7-3 जो है ये दूसरा पेयर बन गया, दो हो गए। अब यहाँ पे 3-9 जो है ये भी हमारा बन जाएगा, तीन हो गए। ये 5-7 वाला चार हो गए। ठीक है, अभी 3-1 वाला ये 5 और ये 1-5 ये 6 हो जाएंगे। उसके बाद ऐसा कोई नहीं है जिसके बाद और के बाद यहाँ पे इवन आ रहे हैं, और के बाद ये फिर से इवन आ रहा है, इसलिए हमारे आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पेयर बन रहे हैं, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ इसमें क्या पूछा था। इसमें ऑड नंबर के बाद ऑड आ रहा हो, ऑड के बाद ऑड रिपीट और हो रहा हो, ऐसे पेयर हमें पता करने थे। ठीक है, तो ये हमने पता कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये रेप्रोचमेंट। तो ये लेटर, इसके लेटर से जो वर्ड नहीं बन सकता है वो हमें पता करना है, ये ध्यान रखना है, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो पहला ही देखते हैं। आर रिप्रेजेंट का देख रहे हैं, आर ई पी, तो आर है, ई है, पी आर भी है, इसमें एक और ई भी है। अब ये देखिए यहाँ पे एस दिया हुआ है, एस इसमें कहीं नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये वर्ड नहीं बन पाएगा, और वो नहीं यही पूछ रहा था कि कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग द टू साइंस। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो होता है फर्स्ट ऑप्शन होता है वो रॉन्ग आंसर होता है, क्योंकि ये हमारे टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं, इसीलिए हम क्या दूसरे से चेक करना स्टार्ट करेंगे, और अगर ये तीनों नहीं होते हैं उसके बाद हम चौथे पे आएंगे। ठीक है, तो पहला दे रखा है मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज करना है, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर देना है और प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 / 3 ये तो 5 ही आ जाएगा यहाँ पे, और 5 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 5 5 = 25, 2 5 4 = 20 और ये 2 2 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ ऐड होगा ये क्या, 5 - 9 ये -4 हो जाएगा, -4 और ये बीच में प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन था। ठीक है, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, छोटा बन गया थोड़ा, तो -4 और 2 2 5 ये प्लस का 2 2 1 आ जाएगा, 5 नहीं होगा, तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है,
ये अभी ए हम बाद में देखेंगे, अभी सी को देखते हैं। तो सी में मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। अब देखिए, इस डिवाइड की जगह मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, तो देखिए 9/45 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 1/5 आ रहा है, 1/5 आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर में हमारा 5 है, पॉइंट में कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 5 आ रहा है और जो आंसर है हमारा उसमें कोई भी डिवाइड में नहीं आ रहा है। ठीक है, डी वाला ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज करते हैं। अगर हम ये माइनस की जगह यहाँ मल्टीप्लाई लिख दूँ मैं, तो ये दोबारा लिख देता हूँ, 5 का मैं 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई की जगह माइनस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये ऐसे ही रह जाएगा, +15/3, तो इसकी जगह 5 आ जाएगा। तो यह 9/5 = 45, -45, तो ये 0 हो जाएगा पूरा ये, और आंसर हमारा 5 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी है थोड़ी, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादातर हमारा गलत होने वाला है, क्योंकि इसमें दिख ही रहा है कि टाइम वेस्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा, अलग अलग वैल्यूज डालनी है, इसीलिए ज़्यादातर पहले ऑप्शन के आंसर करेक्ट नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता है, हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब चेक करना है तो दूसरे या तीसरे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी, बी सी डी इनमें से कोई भी पहले ले सकते हैं, पहले को नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मीन्स प्लस, ए की वैल्यू प्लस दे रखे, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स मल्टीप्लाई एंड डी मीन्स डिवाइड, तो इनकी इसका वैल्यू निकालना है। तो इनकी वैल्यू डाल देते हैं, ए मीन्स प्लस तो ए की जगह प्लस लिख देते हैं, तो ये 2+17 हो जाएगा। बी मीन्स माइनस तो बी की जगह माइनस, तो ये 12-6। डी की वैल्यू डिवाइड दे रखी है और सी की वैल्यू है मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये 16 हो जाएगा। तो ये 6 का 2 से डिवाइड जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 16 का 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, 3 16 1 जा 16 + 3 19 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका ये पूरा आ जाएगा, ये -3 और +17 है, तो ये 14 हो जाएगा प्लस का, तो ये 14 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6, 9, 1, 10, 1, 206, तो ये 206 आ जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा। ठीक है, सिंपल बॉड मास इसमें यूज किया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 पर्सन, अच्छा ये क्यू है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग इक्वली स्पेस्ड इन अ सर्कल फेसिंग वन अनदर, तो 6 लोग हैं ये सर्कल में बैठे हैं, पजल का क्वेश्चन है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का, इसका मैं बना लेता हूँ, ये थोड़ा सा 6 लोग बैठे हैं, एक तो ऐसे करके बैठे हैं, पी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ क्यू, तो यहाँ मैं पी बना देता हूँ, तो क्यू इसके सामने है, क्यू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, तो क्यू क्यू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, तो टी अगर यहाँ पे है तो क्यू उसके राइट में हो जाएगा ये, ठीक है, एंड लेफ्ट ऑफ आर, तो ये पूरे सेंटेंस पढ़ते हैं, क्यू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी एंड लेफ्ट ऑफ आर, यानी जो क्यू है वो टी के राइट में और आर के लेफ्ट में, तो क्यू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी एंड लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में है ये, ठीक है, अगर ये अंदर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट में क्यू आएगा, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, पी इज टू द लेफ्ट ऑफ यू एंड राइट ऑफ एस, तो जो P है वो U के लेफ्ट में है, U के लेफ्ट में है और राइट ऑफ S है, S के राइट में, ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है पूरा। वही पूछा जा रहा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू R, तो R के अपोजिट U है ये वाला, R के अपोजिट ये वाला है, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, U, ठीक है, R के अपोजिट कौन है, U, ठीक है, एक बार ये बन जाता है उसके बाद ये काफी ईजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड दैट शोज द सेम रिलेशनशिप एज गिवन, तो पैसे का रुपीज से जो रिलेशनशिप है सेंटीमीटर का मीटर से, तो हम जानते हैं 1 रुपीज में क्या होता है, 100 पैसे होते हैं, ठीक है, ये 100 पैसे होते हैं, उसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इधर वाली जो टर्म होगी राइट साइड वाली वो बड़ी टर्म हो जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए ग्राम तो हमारा होने वाला नहीं है, हेक्टोग्राम भी उससे छोटा होता है,
ठीक है। अभी मेट्रिक टन में क्या है, 1000 किलोग्राम होते हैं और क्विंटल में 100 होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा क्विंटल आंसर हो जाएगा, एक क्विंटल में क्या होता है, 100 किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें दे रखा है, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड ब्लैक ऑन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ब्लू ऑन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड एंड रेड ऑन रिमेनिंग पेयर, ठीक है। द क्यूब इज नाउ डिवाइडेड इंटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। तो क्या दे रखा है, एक बड़ा क्यूब है जो 4 सेंटीमीटर का था, उसके हर एक साइड को हमने पेंट कर रखा है, उसके बाद उसको एक एक सेंटीमीटर के क्यूब्स में बांट रखा है, यह कुछ ऐसा दिखेगा जो डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव टू सरफेसेस पेंटेड, ठीक है। तो ये देखते हैं, दो सरफेस किसकी पेंटेड होंगी। तो अगर मैं ये साइड वाले देखता हूँ, ये वाले देखता हूँ, तो इसमें देखिए, एक तो ये पेंट है, एक ये पेंटेड है, और जो इधर से साइड से आ रही होगी वो भी पेंटेड होगी। इसी तरह ये साइड वाले सारे के सारे क्या होंगे, पेंटेड नहीं होंगे। साथ ही ये जो बीच वाले हैं, ये इनकी सिर्फ एक ही साइड पेंटेड होगी, और ये कोने वालों की तीन तीन साइड पेंटेड होंगी। इसीलिए जो बच जाते हैं वो कौन से बच जाते हैं, ये वाले जो हैं क्यूब, इनकी दो साइड पेंटेड होंगी। तो अगर मैं ये वाली एज देखता हूँ तो इसमें हमें दो मिल रहे हैं। तो एक एज में क्या है, दो क्यूब मिल रहे हैं ऐसे, जो कि जिनकी टू सरफेसेस पेंटेड हैं। इसी तरह ये वाली एज देखेंगे तो इसमें भी ये दो मिलेंगे, इधर वाली में भी ये दो मिलेंगे, इधर वाली में भी दो मिलेंगे। तो हमारी ऐसे करके क्या है, 12 एजेस होती हैं क्यूब में। तो ऐसे क्यूब्स जो जिनकी टू सरफेसेस हमारी पेंटेड होंगी, वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इसीलिए आंसर हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, तो उनको सबको कैलकुलेट ना करने की जगह हम इसका यूज़ करेंगे, ये वाले भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ये वाले भी। अब ये थ्री डी में सब तरफ से देखना होगा, इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक एज में हमें दो मिल रहे हैं, ये वाला पूरा क्यूब और ये वाला पूरा क्यूब, ठीक है। इसी तरह से 12 एजेस होती हैं, तो 24 हमारे ऐसे क्यूब्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं रीजनिंग के। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, इसीलिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने अभी रीजनिंग का ये सेशन कराया है, वैसे ही मैंने मैथ्स के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना है, मैं PIT AEES के सारे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप टॉपिक का नाम कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड आगे भी ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिग्विजय शर्मा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।